ये कहानी है सन 1975 की, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज नारायण की याचिका पर एक फैसला आता है कि उस वक्त की मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सभी चुने हुए पदों से बर्खास्त किया जाता है। उसके बाद देश में इमरजेंसी का दौर आता है और फिर 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है। पर दोस्तों, क्या उस घटना का आज की तारीख में हम संदर्भ देख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री पर कोर्ट की कार्रवाई हो और कोर्ट के साथ साथ जनता भी उन्हें दोषी मान ले?